यूं ईमान जगाता है, सीधी राह दिखाता है, सबको गले बांटता है, ईद की खुशियां लाता है। कौन अमीर है कौन गरीब, सारे फर्क मिटाता है। कर दे ऐलान, हर एक इंसान है अपनी शान, प्यारा रमजान है मेजबान, प्यारे मेहमान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम माहम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैं एनर्जी देख रही थी, माशाल्लाह रोजे में इतनी तेज एनर्जी होती है, इनसे इतनी पावर मिलती है। इफ्तार के बाद इनका क्या हाल होगा? वो तो फायर क्रैकर्स हो जाते हैं तब तक। और हमारे साथ मौजूद हैं माहम आमिर साहिबा, जो इन प्यारे प्यारे बच्चों को रोज एक प्यारा सा वाकया सुनाती हैं और उससे हम और ये बच्चे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आज तो हमारे सेट पर मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। अस्सलाम अगेन। कैसा लग रहा है बच्चों के साथ मिलकर? बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं इनकी उम्र की थी तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बड़े मासूम से बच्चे थे घर। कुछ साल पहले की बात है, स्कूल जाते हैं, कुछ चंद ही साल पहले की बात है। मतलब माशाल्लाह, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। जी 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 प्लीज। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद देयर एनर्जी एंड देयर, मतलब सीख गए हैं। आपका तो पूरा तराना गा रहे हैं, सैयद फरहान सबकी शान। ये सब रेडी करके आते हैं घर से, और ये आई एम श्योर फरहान भाई ने भी इनको बताया है। मेरा नाम जरूर ले लेना, ठीक है? नहीं नहीं मैंने बताया, आई एम जस्ट किडिंग। क्या बात है, गवाही देने के लिए भी तैयार हैं सारे। पक्की तैयारी कराएगी। हाँ पक्की, थोड़ी ये लीडर है, पक्की तैयारी है इनकी। मैं कहता हूँ बात की जाए, शुरुआत से पहले हाथ धो लिए जाएं। जी बिल्कुल। और हाथ हम धोएंगे लाइफ बॉय से। वो क्यों? वो इसलिए कि लाइफ बॉय गिव्स यू 100% जर्म से प्रोटेक्शन, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। अच्छा, 10 सेकंड। तो अब तुम लोग का काउंटडाउन शुरू होने वाला होगा। मैं हाथ धो लूं? यस ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. कंप्लीट। अच्छा सबने आपको कुछ दिखाना है? क्या दिखाना है? ओह वाह, ये देखें, ये बैठ के स्केच बना रही थी। अरे लाइफ बॉय का, ये लाइफ बॉय की बॉटल बनाई है। वाह भाई वाह, वेरी नाइस उरेन, क्या बात है उरेन। अच्छा लाइफ बॉय से हाथ धोने की एक शर्त ये भी है कि आपने ऐसे ही तैयार होके हाथ धोने। हाँ, वो तो अच्छी बात है, घर सुबह सुबह उठ के नहीं हाथ धो सके, ऐसे तैयार होके हाथ। नहीं नहीं, तैयार जब भी आप चाहें हाथ धोएं, क्योंकि मुझे तो ये वाला प्रॉब्लम है कि जब मैं किचन में होती हूँ या कहीं आने जाने पे, घर से वापस आके अपनी बच्ची को भी आदत डाली है कि घर में एंटर होते सबसे पहले हाथ धोने। सबसे पहले जाएं हाथ धोए, लाइफ बॉय से जल्दी जल्दी क्लीन करें, 10 सेकंड्स में अपना काम कंटिन्यू करें। आई थिंक हाथ, कोई भी काम करना हाथ धो के पीछे। खास तौर पे कोविड के बाद आई थिंक हमें ये रियलाइज हो गया है कि इन्फेक्शन कितनी जल्दी स्प्रेड होता है। एग्जैक्टली। और हाइजीन, क्योंकि हाथ हम हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर वही खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बिलखसूस बच्चों के अंदर ये आदत जरूर डालनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और अब तो रमजान है, और रमजान में बच्चे अगर हाथ नहीं धोएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, और अगर बीमार पड़ जाएंगे तो रोजा कैसे रखेंगे। तो इसलिए रोजा रखना है, रमजान की खुशियाँ इंजॉय करनी है, तो हाथ धोएं लाइफ बॉय से, वो भी 10 सेकंड में, अपने जर्म्स को खत्म करें और फिर रोजा रखें, इबादत करें और खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल। आज क्या वाक्य सुना रही हैं? आज मैं बात ये ले, अरे ये मेरी साथ में असिस्टेंट बैठी। हाँ, तो आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा। अच्छा। और बात करेंगे कि दुनिया किस तरह बनी और कितने दिन में बनी, किसी को पता है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पता? नहीं। अच्छा तो मैं बताती हूँ। अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के दरमियान की हर चीज को टोटल 6 दिन में बनाया। सिर्फ 6 डेज में अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से बनाया, ये तो हम सब जानते हैं। यस। और फिर उसमें अल्लाह ताला ने रूह भरी, है ना, रूह भरी हमारे अंदर। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा, उन्होंने हुक्म दिया, फरमाया कि हो जा, और वो हो गया। कुन फयकुन। कुन फयकुन, बिल्कुल ऐसा ही है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया, और हजरत बीबी हवा को हजरत आदम की पसली से यानी रिब से पैदा किया। hmm.
पसली, पसली। तो बिल्कुल यहाँ होती है ये हाँ बिल्कुल ऐसा है। और फिर उनको और फिर इनको फरिश्ते, जितने भी फरिश्ते हैं उनसे और जिन्नात से अफजल करार दिया कि वो उनसे मुख्तलिफ हैं, ज्यादा अफजल है। जैसे शैतान नहीं, शैतान नहीं, नहीं शैतान फरिश्ते और जिन्नात, शैतान बिल्कुल अफजल नहीं होता। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शैतान अफजल नहीं होता है। हाँ, शैतान अफजल नहीं होता, जिन्नात और फरिश्ते थे। और फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हजरत बीबी हवा, यानी अल्लाह ने जो अच्छे अच्छे चीजें, अच्छे अच्छे लोग बनाए ना, फरिश्ते बनाए हैं और जो दूसरी मखलूक इंसान बनाए, उनमें सबसे ज्यादा अच्छे जो हैं, सबसे ऊपर उनके हेड, यानी हम जो पैदा हुए हैं वो हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जनरेशन में से है ना। ये जी कंटिन्यू जी। और साथ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को कहा गया कि आप जन्नत में रहिए और आराम से जो चाहे कीजिए, खुशी से रहिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक वो पेड़ है जिसका आपने फल नहीं खाना, यानी उस पेड़ का एक फ्रूट नहीं खाना। पेड़ कौन सा है भाई, बता दें? बताएं, आप बताएं। वो पेड़ पता है किसी को? चलें बताएं किसको पता है वो कौन सा फल। चलो ऑप्शन देते हैं, सेब, केला, बेर और हाँ बेर, सेब, आम, आम, खरबूजा। अब बताइए, चलें अब बताइए किसका जवाब सही था। पुरका, बिल्कुल सही जवाब था। लेकिन उस टाइम पे मना किया गया कि वो ना खाएं, लेकिन फिर शैतान तो वरगलाने के लिए आ गया। वो शैतान तो शैतानियां करता ही है ना, तो शैतानों की बातें हो रही थी, तो शैतान ने आया और उनको वरगलाया और कहा कि सेब खा, और उन्होंने खा लिया वो फल। और उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और हजरत बीबी हवा को नाफरमानी करने की वजह से यहाँ पे भेजा, और फिर दुनिया की इब्तदाई और दुनिया बनाई गई। शुरुआत, शुरुआत बिल्कुल कुछ नहीं होता था, कुछ भी नहीं था। नहीं, पहाड़ होते थे, दरिया होते थे, समंदर होते थे, जमीन थी, जो इंसान खुद बनाता है वो नहीं था, क्योंकि इंसान उस वक्त दुनिया में आया ही नहीं था। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो पहली शख्सियत थे जो दुनिया में, बीबी हवा के साथ। हजारों करोड़ों साल पहले तो इस तरह दुनिया बनी। अब देखिए अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है, और किस तरह बनाया और कितनी जल्दी बनाया है, तो ये बात कितनी बड़ी है ना, कि जैसे हम कोई चीज़ बनाने की, हम अल्लाह ताला से कोई मुकाबला नहीं हो सकता नौज़ुबिल्लाह, पर जब हम कोई चीज़ बनाते हैं कितना वक्त लगाते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, जहान को बनाया। अब हुरैन, आपने ये ड्राइंग कितनी देर में बनाई? तो कितनी देर लगी? 5 मिनट, 6 मिनट्स? सोचो पूरी दुनिया, इतनी सारी पहाड़, दरिया, समंदर, अल्लाह ने सिर्फ 6 डेज में बनाया, पता है? और अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, अल्लाह ने कहा हो जा, वो हो गई। अल्लाह ने कहा पहाड़ बन जा, वो पहाड़ बन गए। अल्लाह ने कहा दरिया बन जा, दरिया बन गए। यानी जो अल्लाह ने कहा वो हो गया। इसलिए तो हम कहते हैं अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हमारे लिए बहुत आसानी पैदा करे, हमें अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे, हम अच्छे अच्छे काम कर सकें ताकि हम सवाब कमा सकें। जो मुश्किल वो अल्लाह सही कर देता है। हाँ, आप कहते हैं अल्लाह ये मुश्किल है, अल्लाह कहते हैं मुश्किल हल हो जाए तो वो हो जाए। अल्लाह ताला के लिए तो कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, जब चाहेंगे जैसे चाहेंगे कर देंगे। पहाड़ तो मक्का में होता है ना? बिल्कुल नहीं, पहाड़ हर जगह होते हैं, मक्का में भी है पहाड़, लेकिन और जगह भी पहाड़ है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान से बाहर पहाड़ है, कितने सारे। नहीं, कराची में हिल पार्क जो है वो हिल्स हैं। यहाँ से हम हाईवे पे जाएंगे वहाँ पे भी हिल्स हैं। तो दुनिया इस तरीके से बनी 6 दिन के अंदर। कोई सवाल आज करना है इस बारे में? नहीं करना। आज क्या बताना है फिर? मुझे नाम सुनानी है। आसमानी किताबों के नाम चले, आसमानी किताबों के नाम और बताइए। चले बताइए, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान शरीफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए, तालियां। और हमें ज्यादातर कुरान पाक पढ़ना चाहिए, उसमें हर मसले का हल होता है। बिल्कुल, हर मसले का हल है। अच्छा, ये बताएगा मुझे कोई कि कुरान पाक कौन से महीने में नाजिल हुआ था? रमजान। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। मुझे नाच सुनानी है, रोजे वाली नाच सुनानी है। भाई सबके पास बहुत कुछ है, फरहान भाई क्या कहेंगे? चलो आप, अलवीरा की बारी, कल अलवीरा की बारी नहीं आई थी। अलवीरा ये लीजिए माइक, आपका माइक ले लें, पूरा पूरा चलो वाला ले, चलो ये ले लो।
रमजान के रोजे आए हम झूम झूम जाए हम रोजा रखना चाहे तो घर वाले फरमाए अगले साल रमजान के रोजे आए हम शरबत पीना चाहे तो घर वाले फरमाए अगले साल रमजान के रोजे आए हम पकौड़े तलना चाहे तो घर वाले फरमाए खतरनाक रोजे हम पे फर्ज किए गए लेकिन एक खास एज आती है जब हम बड़े हो जाते हैं फिर उससे पहले हम रोजा रखते हैं तो अल्लाह सवाब देता है अगर नहीं रखते तो अल्लाह उसका गुनाह भी नहीं देता क्योंकि रोजे हम पे फर्ज नहीं हुए। जब मैं बहुत छोटा था ना तो मैं अपने जो मेरे अब्बू हैं उनसे मैं कहता था कि अब्बू मुझे रोजा रखना है और उनको पता था मैं छोटा हूँ भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी तो मुझे पता क्या नियत कराते थे बच्चों बोलते बेटा नियत करो रोजा रखता हूँ मैं डालम डोल जब दिल चाहे जब ही खोल। ये प्यारी प्यारी मासूम मासूम बातें प्यारे बचपन की। हाँ क्या सब मुझे नाच सुनानी एक और बारी बारी सब बारी बारी रमजान इस्लामी कैलेंडर कौन से महीने नवे महीने में सही जवाब नवे महीने। चलें अब एक मुख्तसर से वक्त प्लीज। अच्छा जल्दी एक जल्दी से बता मुलाकात के वक्त सलाम करना हमारे प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। बिल्कुल और सलाम के बेहतरीन अल्फाज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जिसे सलाम किया जाए उसे जवाब में ये कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सलाम में और सलाम में पता है क्या सलाम में करनी चाहिए पहल। अब हम क्या कहते हैं कि हम बच्चे हमें पहल करनी चाहिए नहीं बड़े भी है ना तो उनको पहल करनी चाहिए। आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बाद सबसे अफजल हस्ती वो हैं उनसे बड़ा कोई नहीं सिर्फ अल्लाह है उनसे बड़ा। तो वो पता है क्या करते थे मदीने के बच्चे जब होते थे ना तो वो उनको सलाम करते थे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चे कहते थे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो रसूलल्लाह ने जब सलाम का सवाब बताया ना तो बच्चों ने एक दिन इरादा किया कि आज जब रसूलल्लाह आएंगे ना तो हम दीवार के पीछे छुप के खड़े हो जाते हैं और रसूल खुदा के सलाम करने से पहले आज हम पहले उनको सलाम कर देंगे। अब वो तो रसूल थे उनको सब पता था क्या होने वाला है। तो वो जैसे ही करीब पहुँचे ना तो दीवार के पीछे बच्चे खड़े थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा और सलाम हो उन बच्चों पर जो दीवार के पीछे चिपके खड़े हुए हैं। तो उनको पता था। इसका मतलब ये हो कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ पता होता है। हदीस में है कि अस्सलामु अलैकुम कहने से 10 अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने से 20 और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने से 30 में कहने की मिलती है। हमें सलाम में पहल करना चाहिए सलाम ऊंची आवाज में करना चाहिए और जो पहले सलाम करे उसको ज्यादा सवाब मिलता है। और सलाम करना वाजिब नहीं अच्छी बात है लेकिन सलाम का जवाब देना वाजिब है। चलें अब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं क्योंकि इस वक्त ट्रांसमिशन में वक्फा लेना भी वाजिब है। अगर हम वक्फा नहीं लेंगे तो आगे सेगमेंट में कैसे जाएंगे। बाकी जो बच्चे रह गए आज वो हुरैन कल आपसे शुरू होंगे। ठीक है वाह भाई वाह जबरदस्त अलवीना ने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है। देखिए नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। महम आपको बहुत शुक्रिया लेकिन आप अभी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहब आपका शुक्रिया आप इस सेगमेंट में बच्चों के साथ रहीं लेकिन अभी आप हमारे साथ मौजूद हैं। आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद देखते रहिए प्यारा रमजान। अल्लाह हाफिज़। बाइक बच्ची।